जलमन बॉयज एंड गर्ल्स, तो सीन्स कुछ ऐसा है। ये व्लॉग मैं बस ऐसे ही बना रहा हूँ थोड़े से अपडेट के लिए। अपडेट ये है कि मैं आगे समझाऊंगा, अभी मुझे जाना है हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ कोविड टेस्ट के लिए जाना है। पता करना है कि कल होगा या नहीं होगा, तो ये मैं भी आगे बताऊंगा कि अपन किस लिए जा रहे हैं कोविड टेस्ट के लिए, ठीक है। तो अभी रजनीश भाई मेरा आएगा, दोस्त है वो भी मेरा, अभी रजनीश आएगा मुझे लेने के लिए और जाएंगे हॉस्पिटल पता करने कि कोविड टेस्ट किस दिन होता है किस दिन नहीं होता है। वैसे मेरे ख्याल से एवरीडे होता है, लेकिन अभी वो कह रहा कि नहीं भाई अभी एवरीडे नहीं हो रहा है, तो अभी जाके वहाँ पता करते हैं फिर दिखाते हैं। और सुबह के कुछ हो रहा है, मुझे टाइम का कोई अनुमान नहीं है, सुबह के 10:30 के आसपास हो रहे होंगे। मैं इस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेजी हो गया हूँ, देर से सोता हूँ देर से उठता हूँ, ये मेरा टाइमिंग शेड्यूल बिल्कुल ख़राब हो गया है, इसको मुझे मेंटेन करना पड़ेगा और मैं मेंटेन कर रहा हूँ पिछले 2 दिन से। मैं कल रात में तो मैंने कुली नंबर 1 देखा और थोड़ा लेट में सोया, तो इसलिए अभी बहुत देर उठाऊँ और मेरे बाल भी बहुत गंदे दिख रहे होंगे भाई, बड़े बहुत बड़े बड़े बाल हो गए मेरे, अभी मैं कटवाए भी नहीं हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता उनको कटवाने के लिए, कटवाऊंगा भी नहीं क्योंकि अपन जहाँ जा रहे हो ठंडी एरिया पे जा रहे हैं, ठंडी जगह पे जा रहे हैं, तो इसलिए बाल को कटवाना कोई मतलब नहीं है, तो मैं बाल को कटवाऊंगा नहीं। अभी फटाफट जाते हैं हॉस्पिटल और जो भी है वहाँ का सीन देखते हैं क्या होता है, अगर होगा तो कल अपन जाएंगे, नहीं होगा तो देखते हैं। रनीश भाई अपना एड्रेस बताते हुए, और अपन लोग आज ही कोविड टेस्ट करवाएंगे। 26 साल। मजाक में अपन आए टेस्ट के लिए, और टेस्ट के लिए हम लोगों ने अप्लाई भी कर दिया, मतलब अपॉइंटमेंट ले लिया है, कभी आएंगे आधे घंटे बाद नंबर वापस से बुलाया है इन्होंने, तो सबका नंबर हम लोगों ने नोट करवा दिया, आधे घंटे बाद आना है भाई और टेस्ट करवाना है। मैं, संजय, रजनीश भाई, विवेक, अजीत, सब जन का टेस्ट होएगा, सभी सभी का नाम और नंबर मैंने नोट करवा दिया है, आधे घंटे बाद टेस्ट है। इस टेस्ट के बारे में मैं बताऊंगा घर पे कि क्यों अपन टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है, अपन किधर भी जा रहे हैं ना घूमने, तो ये चीज़ लेना ज़रूरी है, अभी ये कंपलसरी हो गया, समझ लो ये एक प्रकार का टिकट हो गया, इसको भी लेना ज़रूरी है भाई, तो अभी आधे घंटे बाद करवाएंगे अपन। सकल देखो भैया, कोरोना जांच होगा भैया। सो वापस से हम लोग को ये फुनतोड़ मिल गया जो नाक और मुंह में घुसा के कोविड टेस्ट करेंगे, बे लगे हुए हैं संजय भाई अपने लगे हैं और रजनीश भाई, ये चार नंबर है, दो तीन उसका होगा रजनीश का साथ, चार नब्बे तीन नंबर है, नंबर है तीन नंबर लिखा है ना। बस अभी वेट हो रहा है जांच के लिए, नंबर सबको मिल गया है, सबसे लास्ट में किसका है, 8 नंबर ये है, तुम्हारा कितना है, नंबर 5 5, मेरा 2 3, इसका 4 रहेगा, ये किसका, कब नंबर है, जल्दी हो जाएगा यार, एक तुम्हारा है, 2 है, 2 मेरा, एक अभी जांच करवाते हैं संजय भाई को खांसी आ रहा है, संजय भाई को खांसी आ रहा है, और नहीं विवेक भाई को सर्दी है, कह रहे हैं कि हमें सर्दी है यार, कहूँ कोरोना ना निकल जाए, और खांसी इनको आ रहा है, हम दोनों लोग मिलन कर लो, एक हो जाएगा खांसी सर्दी कोरोना निकल तो सारा खर्चा वो देगा। कि लोग अपने हाथ से ही अपना जांच कर रहे हैं, अभी ये अंकल जो खड़े हैं ना ये खुद से अपने हाथ से कर रहे हैं, देखो कोई सुविधा नहीं भाई, इधर कोई सुविधा नहीं है। सो सभी का कोविड टेस्ट हो गया है और हम लोग को दवाई वगैरह भी मिल गया है कुछ ये बैकअप के लिए मिला है, लूज मोशन के लिए ORS है, बुखार के लिए कुछ दवाइयाँ हैं, मेडिसिन इधर से मिल गया, बुखार की है, ये गैस की है, और ये ORS है, एसिडिटी की है, नींद की है, और ये आयरन की लेने की वजह से दस्त भी आ सकती है, ये आयरन का है, तू जाएगा बाहर ना, तुम्हें सबका RT-PCR चाहिए, तो RT-PCR वाला जब जितिया हो गया ना, तो वहाँ A few moments later. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अब मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग क्यों गए थे कोविड टेस्ट के लिए। कोविड टेस्ट का सीन ये था कि हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी, तो वहाँ पे कोविड टेस्ट जरूरी है। मेरा दोस्त गया था तो उसने बताया कि ले लो करवा लो कोविड टेस्ट, वो भी ठीक है, वहाँ पे जैसे तुम पहुँचोगे जम्मू स्टेशन पे वहाँ पे भी जाँच होगा, 5-6 काउंटर ऐसे बने रहते हैं जाँच के लिए, तो वहाँ पे भी होगा, तो हम लोगों ने कहा यार वहाँ तो होगा ठीक है, अगर वहाँ लाइन लगी रहेगी तो अपन लोग को भी लाइन में लगना पड़ेगा, उससे देर होगा, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यहीं से करवा लेते हैं, अगर यहाँ का वो लोग रिपोर्ट एग्री करते हैं तो ठीक है, हम लोग फटाफट निकल जाएंगे, अगर नहीं होता तो फिर करवा लेंगे, इसलिए हम लोग गए कोविड टेस्ट करवाने के लिए। तो कोविड का सीन ये है ना भाई कि अभी मैं बता रहा हूँ मेरे नवाबगंज की जो पॉपुलेशन है मेरे ख्याल से अराउंड 1 लाख के समथिंग रख लो राउंड फिगर में, ठीक है, जो नवाबगंज के इर्द गिर्द जो नज़दीक में जो भी गाँव वगैरह आते हैं 1 लाख की पॉपुलेशन रख लो, उस 1 लाख की पॉपुलेशन में केवल 8 जन गए थे कोविड टेस्ट के लिए, जिनमें से 5 जन तो मैं ही थे, मतलब 5 जन मेरे दोस्त थे, एक मैं, अजीत, संजय, विवेक, रजनीश, 5 जन मैं ही थे, बाकी 3 जन और थे जो उनको हुआ नहीं था कोविड, वो बस हॉस्पिटल जाने के लिए रिपोर्ट लेने वाले थे, ताकि वो ऑपरेशन वगैरह का उनका रिपोर्ट था, कि जैसे होता ना कि अगर आपको ऑपरेशन भी कराना है तो एक कोविड रिपोर्ट चाहिए, तो इसलिए बाकी 3 लोग आए थे।
एक लाख के पॉपुलेशन में अगर 8 जन आए हैं कोविड टेस्ट के लिए, तो समझ जाओ भाई कि कोरोना होना खत्म हो चुका है, कुछ नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ऐसे गए थे, मास्क भी नहीं था हम लोगों को, कोरोना खैर था भी नहीं, तो कि मास्क लगा के जाए, पूरा प्रोटेक्ट करके जाए, ऐसा कुछ नहीं। मेरे यहाँ एकदम सब खत्म हो गया कोरोना, बस कहीं कहीं पे अभी भी है, और इतना मतलब अभी मैं कह रहा हूँ नहीं है तो इतना हल्के मतलब, जब मैं फैजाबाद जाता हूँ कुछ ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे अभी भी है, तो वहाँ पे मैं मास्क लगा के जाता हूँ। हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आते हैं, अजीबोगरीब लोग आते हैं, लेकिन हम लोग उस टाइम मास्क नहीं लगाए थे, मेरे को थोड़ा सा भीड़ लगा, मैंने सबसे बोला कि यार सब लोग मास्क नहीं लगा के आए हैं, भूल गए। मैं सच में कह रहा हूँ, मैं खुद भूल गया था मास्क लेना, तो इसलिए मास्क लगा के नहीं गए थे वहाँ पे। और वहाँ पे कोई सुविधा भी नहीं था, सब लोग अपने हाथ से ही वो जो फुंदरू रहता है ना छोटा सा, जिससे कोविड टेस्ट वाला जो किट रहता है, वो अपने नाक में और मुंह में घुसा के उसमें डिब्बे में बंद करके दे रहे थे, सब लोग खुद से ही कर रहे थे, कोई वहाँ पे था। तो वहाँ का सीन ये था, हम लोगों ने कोविड टेस्ट करवा लिया, शायद कल मुझे रिपोर्ट मिल जाएगा। और आज मुझे इतना सारा, मुझे आज काम है, लिटर के लोग बहुत सारा आज मुझे काम है, मुझे आज जाना फैजाबाद, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है मुझे अपना, मुझे बहुत चीज लेना है, वो मैं आगे ब्लॉग में दिखाता हूँ। अभी मुझे जाना है हॉस्पिटल, फिर से अभी जाना है मुझे वेटनरी हॉस्पिटल, जैनी को लेकर, थोड़ा सा जैनी का तबीयत ठीक नहीं था कुछ दिन पहले, मतलब उसको फीवर था, तो उसका मेडिसिन पूरा मैंने खिला दिया, लेकिन वो थोड़ा सा अभी उसको इचिंग का प्रॉब्लम, उसको खुजली होती है, तो वो दिखवाना है। सारी मेडिसिन खत्म हो चुकी है, वो एक हफ्ता हो गया है, अभी उसको लेके जाना है हॉस्पिटल, दिखा के सीधा आऊँगा, फिर मैं फ्रेश होके फिर मैं निकल जाऊँगा फैजाबाद, जो कि मुझे शॉपिंग करना है भाई, बहुत चीज़ें मुझे लेनी है, वो सारा व्लॉग में मिलेगा आप लोग को देखने के लिए, ठीक है। बाकी का सीन एकदम बढ़िया, मैं लिटरली कह रहा हूँ, तो भाई मैं ना बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इतने दिनों बाद, एक साल बाद, वो भी अपन कहाँ जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं वापस से। हर बार की तरह मैं ना एक चीज भूल जाता हूँ, अपना इंट्रो, ठीक है। सो हेलो, नमस्ते, राम राम, जय राम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटो जॉकी रजत गाइस, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। ये मोहल्ले का मेरा नॉइस आता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, जब तक अपने मोहल्ले में बच्चे हैं खत्म नहीं होने वाला। और इतना लंबा मैंने वीडियो बना दिया, 5 मिनट 31 सेकंड का, चलो मिलते हैं अभी कुछ देर बाद। सो अभी जैनी को मैं दिखा के लेके आ गया, जैनी को अभी फीवर है, एक हफ्ते से उसको फीवर चल रहा है 102-103, तो अभी भी उसको है, अभी उसका 5 दिन का और दवा ला के मैं दे दूंगा, भाभी लाएंगे उसको। मैं अपना खाना फिनिश करके फटाक से निकलता हूँ, बहुत देर हो रहा मुझे, मैंने सोचा था कि 12 बजे निकल जाऊँगा, अभी बज रहा एक, अभी एक 1:25 हो रहा है, तो जल्दी से फटाक से खाता हूँ, फटाक से निकलता हूँ, बहुत ज़्यादा आज काम है फैजाबाद में, बहुत मेरे को समझ में आ रहा कैसे करूँगा, फटाफट करते हैं फिर निकलते हैं। तो संजय भाई बाइक दिए अपनी बनने के लिए, वो हाईवे पे मिलेगा मुझे। मैंने अभी कैमरे को ना घर पे मैं जब शूट कर रहा था, तो मैंने इसको लीनियर मोड पे डाला था, अभी देखा यार, तो मैंने कहा अरे यार मुझे वाइड एंगल चाहिए, और लीनियर मोड मुझे दे रहा है, मैंने वापस से वाइड एंगल मोड पे डाला है, अब अच्छा व्यू आएगा थोड़ा सा। और पिछले कुछ दिनों से मैं ग्लव्स नहीं पहन के चला रहा हूँ, बिकॉज मेरा ग्लव्स फैजाबाद में छूट जा रहा है, आज ग्लव्स भी लेना है, ये टूट गई है वापस से बंदरों ने निकाल के इसको तोड़ दिया। बन्नों को भी भूख लगी है, पेट पूजा करवा दिया जाए, काफ़ी दिनों से मैं इसमें फ्यूल नहीं डलवा रहा हूँ, 500 ले लो। तो एक काम तो हमारा हो गया, बचा है दूसरा काम। चलिए सर, वैसे ये जियो का मुझे ये रिंग मिला है, मैंने अपना जियो का सिम पोस्टपेड करवा लिया, तो ये मुझे छल्ला मिला है जियो की तरफ से। भैया एक साइड बैग दिखा दीजिए, हाँ कुछ दिन पहले लेके जाऊँ। भैया ये कितने का? सो एक मैंने ये ट्रैकिंग बैग लिया है और एक साइड बैग लिया, अभी ये उससे खाली कर रहा है सारा, ये मेरे हमेशा के लिए काम आएगा। अरे कितना भरा था भाई तो पूरा बैग खाली हो गया, अभी बैग दो काम फिनिश हो गए, अभी और भी काम बचे हैं, बैग ले लिया। ये साइड बैग है जो पैसा वगैरह रखने के लिए, हाँ ऐसे टांग ना ऐसे, तू 5 मिनट के लिए दिखाने के लिए बस, ये कुछ ऐसा लुकाएगा इसका,
ये अच्छा, इसमें मैं अपने पैसे रख लूँगा, गोप्रो रख लूँगा, चार्जर वगैरह सब आ जाएगा इसमें। अच्छा स्पेस है इसके अंदर भी, और अंदर चैन है ये। स्वप्ना एक काम हो गया भैया, वुड लैंड शोरूम चलना है, मुझे अपने जूते का पॉलिश लेना है क्योंकि मिल नहीं रहा है। जहाँ से मैंने शूज़ लिया था उसके पास भी काफ़ी दिनों से नहीं है, तो मुझे शोरूम पे जाके ही इसका पॉलिश लेना है। चलो गाय माता किनारे। चलो भाई, बड़ा लंबा चपत लगेगा मेरे को। एक शॉप का काम हो गया, बैग ले लिया मैंने, दूसरा पॉलिश ले लिया, अभी तीसरा कौन सा काम है मैं यही भूल गया। तो ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया, दो ही तीन काम था, बैग मैंने ले ही लिया था, दुकान का काम हो गया, अभी जाके करवा लेना है, जैनी का दवाई भी हो गया, मेरे शूज़ का पॉलिश भी मिल गया। एक मिनट, चलो हाँ ये भी ठीक है, निकल जाएगी ना गाड़ी। चलो दूसरा काम। सो एक दुकान पे अपन लोग को 3 घंटे लग गए बैठे बैठे, एक काम करवा रहा था मैं, दुकान का ही काम था, उसके वजह से इतना टाइम हो गया। अभी टाइम क्या हो रहा है भाई, अभी टाइम हो रहा है 5:20। हाँ भाई रजत बोल रहा हूँ मैं। हाँ भाई किधर हो? मैं रास्ते में आ रहा हूँ। ठीक है मैं रुक भाई, मैं थोड़ा जल्दी मिलूँ, ठीक है आप खड़े रहना उधर। अरे भाई ठीक है यार, खड़ी बाजार पे। ठीक है चलो ओके भाई। तो एक सब्सक्राइबर है, बहुत दिन से मेरे को डीएम कर रहे हैं भाई इंस्टा पे कि भाई मिलो मिलो, अभी उन्होंने नंबर मैसेज किया, मैंने कहा चलो ठीक है मिल लेता हूँ मैं, तो बाद में हो जाएगा भाई कि बुरा मान जाएंगे लोग। भाई 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 बढ़िया भाई, और बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये है हमारे मोनू भाई, इन्हीं की दुकान से अभी मैंने कुछ कपड़ा लिया है। एक मैंने वापस से ये जो मेरे पास येलो वाला सनग्लास था, अभी मैंने ये एक ब्लैक में ले लिया है, और एक मैंने लिया ये वाला शर्ट, और एक यही जींस है ना, एक ये वाला जींस, क्योंकि फैजाबाद में ना बहुत लेट हो गया था, वहाँ पे मैंने कुछ शॉपिंग नहीं किया, बैग वगैरह लिया, बाकी सोचा अपने मोनू भाई के यहाँ से कपड़ा खरीद लेंगे। अगर किसी को भी चाहिए ना तो आके इधर एक बार, अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी और बेस्ट प्राइस मिल जाएगा, क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी। शर्ट ना एकदम मखमल है, एकदम मतलब मुलायम शर्ट है, और जींस की भी क्वालिटी जैसे मुझे चाहिए थे वैसे मिल गई। तो कभी भी किधर भी कपड़ा लेना रहे कुछ भी तो इधर आके ले लो एक बार। ये हमारे मोनू भाई हैं, मोनू सिंह, ठीक है। तो डिस्काउंट भी मिलेगा, जो जो भी मेरे तरफ से आएंगे मोटो जॉगी रजत के वीडियो देख के आएंगे तो उनको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। बाकी सब बढ़िया है, अभी पहुँचते घर पे, सब फटाफट पैकिंग करते हैं, फिर ब्लॉग एडिट करना अपलोड करना बहुत ज़्यादा काम है, बाकी सब बढ़िया है, मिलते हैं घर पे। लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, तो अभी मैं कुछ दिखा रहा हूँ जो मैंने सब सामान रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ ले जाने पर ट्रिप में। सो सबसे पहले इधर 3 जैकेट है, 1, 2 और एक 3, एक मफलर है, 3 शर्ट है, 1 टी शर्ट है, और 1, 2 और एक ये जिसमें मैं सारा कपड़ा रखूँगा ये बैग, ये 2 चश्मा है, 2 चश्मा, सॉक्स, और ये सैनिटाइज़र, ठीक है, एक जेल वाला एक लिक्विड वाला बैग, और ये साइड बैग, इतने सारे सामान है। एक उधर पावर बैंक चार्जिंग पे लगा हुआ है, ये तो बुड्ढो वाला शर्ट लिया है। कौन सा? ये बुड्ढो वाला शर्ट है, इतना अच्छा लग रहा था पहन के, अच्छा लग रहा था, बुड्ढो वाला नहीं है वो, एकदम मस्त लगा था मैं पहना था। तो इतना सब मैं कुछ कैरी कर रहा हूँ भाई, ये अभी मैंने जस्ट खरीदा है, ये नया है सारा जींस। ओ भाई मारो हाय, हाय कर दो एक बारी, काजू के लिए सभी हाय बोलो कमेंट में। आय हाय, आय हाय भाई, अच्छा येलो वाला एक बारी लगाओ, येलो वाला, येलो बोलो, येलो। ओ भाई एकदम जहर, मुआ मुआ बाय बाय। तो भी ये सब सारा सामान मैं पैक करता हूँ, और भी कुछ है जैसे इनर वेयर हो गया ये अंदर पहनने के लिए, इतनी सारी चीज़ें मुझे इस बैग में रखना है। वैसे ये बैग ना बहुत बड़ा, मुझे नहीं लग रहा है कि ये सारा सामान भी इसमें
ज़्यादा पड़ेगा, बहुत कम है ये सारा सामान, ये तीन गुना अभी और ज़्यादा सामान हो जाए फिर इसमें कम पड़ जाएगा। इतना बड़ा बैग है क्या कि मैं इसमें बैठ जाऊँगा, इतना बड़ा ये बैग है, सबको मुझे अभी इसमें रखना हुआ। वैसे बहुत इसमें स्पेस है, ये मुझे मिला 1400 रुपये का मिला, अच्छा प्राइस में मुझे मिल गया, और ये मुझे 350 का मिला। वैसे ये मैंने इसके पहले भी लिया था, ये मुझे 450 का दिया था, अभी 350 का दिया है, हाँ ये 350 का मुझे मिला है। इतनी सारी चीज़ें मैं कैरी कर। सो आज के लिए बस इतना रखते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करते हैं कौन सा पार्ट अच्छा लगा एज वेल, जैसे मैं हर बार कहता हूँ। सो चलो मिलते हैं ना, सुबह में खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, बाकी सब बढ़िया। और जो ब्लॉग आएगा ट्रैवल ब्लॉग एक नंबर का बनेगा, इस बार पूरी जी जान लगा देंगे ब्लॉग को बनाने में। सो गुड नाइट, अलीगोज़ अमीगोज़, शबा खैर, बाय बाय।